हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल री डिजाइंस। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी वेलवेट कुर्ती का एक नेक डिजाइन जिसे हम लेस के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना डिजाइन बनाना। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वेलवेट की कुर्ती है जिसको मैंने कट कर लिया है और ये इसकी सीधी साइड है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे मैंने सीधी साइड पे बिल्कुल इसके सेंटर को मार्क कर लिया है, आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए, इसके बिल्कुल सेंटर को हमने मार्क करना है और अब हमने जहां पे लेस लगानी है उसको मार्क कर लेते हैं। तो ये सेंटर वाली लाइन हमें मार्क करनी जरूरी है, आप भी मार्क कर लीजिए अपनी कुर्ती पे। तो अब हम क्या करेंगे, 1 इंच इधर हम मार्क कर लेंगे, सिर्फ 1 इंच का गैप ही हमने लेना है। तो ऐसे 1-1 इंच को हमने मार्क करके अब हमने अपने स्केल की मदद के साथ इसको बिल्कुल सीधा सीधा मार्क करना है ऐसे। अब आप सेम इस साइड भी ऐसे ही मार्क कर लीजिए 1 इंच को, इसी तरीके से। पहले आप इसको ऐसे मार्क कर लीजिए, ऐसे क्या होगा, आपकी मार्किंग बिल्कुल सीधी सीधी आएगी। और ये आपने कहां तक करना अभी मैं आपको बताती हूं। ये हम ऊपर से 13 इंचेस पे लेंगे, यहां तक ये आ रहा है मेरा 13 इंचेस, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब हमने दोनों साइडों से सीधा तो मार्क कर लिया, अब हमने साइड से गुलाई देनी है हल्की सी नीचे से, उसको हम ऐसे देंगे। तो अब हमने जो जो मार्किंग की है जैसे साइडों वाली, उस पे हमने अपनी लेस को स्टिच करना है। हमने और भी लेस लगानी है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कैसे लगानी है। तो ये वाली हमारी लेस है, अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल अपनी मार्किंग के साथ साथ स्टिच कर लेते हैं। तो ये जो लेस की किनारी है इसको हमने बाहर वाली साइड में रखना है, अंदर वाली साइड में नहीं रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस इस पे लगा सकते हो। तो ऐसे हम इसको अपनी मार्किंग के साथ साथ अपनी लेस को ऐसे ही सीधी सीधी स्टिच कर लेंगे पहले। तो जैसे अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा या शनील का कपड़ा की लेस नहीं स्टिच हो रही, तो आप पहले इस पे पेस्टिंग लगा लीजिए इसकी उल्टी साइड पे फैब्रिक की, तब आप लेस को स्टिच कीजिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी आपकी। लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो लेस आप वो वाली यूज़ कीजिए जो आसानी से घूम जाए, ये कॉटन की लेस है, आसानी से घूम जाती है, इसलिए इसको मैं ऐसे नीचे से राउंड घुमा रही हूँ। आप भी वही वाली लेस यूज़ कीजिए जो आसानी से घूम सके, तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी नीचे राउंड में। ये लेसेस वैसे नॉर्मली मार्केट से मिल जाती हैं, अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देती हूँ ऑनलाइन लेसेस का, तो आप वहाँ जाके भी इसको खरीद सकते हो। तो नीचे से ऐसे मैंने अपनी मार्किंग के साथ साथ गोल भी घुमा ली है अपनी ये लेस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही अपनी मार्किंग के साथ साथ ऊपर तक ले जाएंगे अपनी लेस को। तो ऐसे देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने लगा लिया है लेस को और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, नीचे से गुलाई भी कितनी अच्छी आई है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम गैप के साथ हमने 1.5 से 1.25 इंच का गैप लेना है और दूसरी लेयर इसी तरीके से लगानी है लेस की भी। तो दूसरी लेयर स्टिच करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारी ये जो लेस है एक तरफ से उठ रही है, इसको पूरी तरह से स्टिच करने के लिए हम एक और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे लेस के किनारे किनारे हमने एक और सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी ये जो लेस है अच्छे से बैठ जाए और उठे ना। तो ऐसे अब हम क्या करेंगे, हमने दूसरी लेयर लेस की स्टिच करनी है, वो हम 1/2 इंच के गैप पे लेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्किंग तो हमने सिर्फ एक ही की ही करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी दूसरी लेयर को भी ऐसे ही स्टिच करना है बिल्कुल सेम गैप के साथ। जैसे हमने इसको स्टिच किया है फिनिशिंग के साथ घुमाते हुए, वैसे ही हमने दूसरी लेयर्स को भी ऐसे ही स्टिच करना है। तो चलिए अभी मैं आपको एक लेयर और लगा के दिखा देती हूँ। तो अब हम अपनी दूसरी लेयर लेस की लगाना शुरू करेंगे। तो हमने बिल्कुल इक्वल गैप लेना है, जैसे आप शुरू करें वैसे ही सेम गैप के साथ आना चाहिए धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ। तो ऐसे हमने लेस की और भी लेयर्स लगानी है, सेम गुलाई आनी चाहिए आपकी लेस में। तो ऐसे ही आप पहली लेस के अकॉर्डिंग ही आप दूसरी तीसरी जितनी भी आप लेयर्स लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ऐसे नीचे से इसको गोल घुमाते हुए हमने ऐसे इसको भी स्टिच कर लेना है।
तो ये नेक डिज़ाइन आपने ज़रूरी नहीं है कि वेलवेट कुर्ती पे ही बनाना है, आप इसको कॉटन सिल्क किसी भी कुर्ती पे बना सकते हो कैसी भी लेसिस के साथ। तो आगे इसको मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल बनेगा ये डिज़ाइन। तो ऐसे हमारी ये दूसरी लेयर भी स्टिच हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों लेयर्स लगा ली हैं और कितनी ब्यूटीफुल भी लग रही हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग 3, 4, 5 जितनी भी आप लेयर्स लगाना चाहते हैं लेस की उतनी लगा सकते हैं। मैं इस पे 4 या 5 लगाऊंगी, तो अभी मैं आपको वो भी लगा के दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर नेक पलटेंगे। तो ऐसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे 4 लेयर लगाई हैं और कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग इस पे कोई भी नेक बना सकते हो। मैं इस पे राउंड नेक के साथ ऐसे वी कट दूंगी और यहाँ पे मैंने बटन्स भी लगाने हैं, तो वो मैं अभी आपको नेक पलटने के बाद दिखाती हूँ कौन से बटन और कैसे लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए वेलवेट कुर्ती हमारी ऐसे बन के रेडी हो गई है। मैंने ये लेस की 4 लेयर्स लगाई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी लगा सकती हैं। और मैंने इसके ऊपर नेक भी देखिए कितना ब्यूटीफुली पलटा है, राउंड नेक विद कट जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब ये जो गैप है मैं इसमें बटन लगाऊंगी, ये मैं ये वाले बटन लगा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बटन लगा सकते हो। अगर आपने ये पार्टी वेयर कुर्ती पहननी है तो इस पे थोड़े हैवी बटन्स लगा सकते हैं, अगर नॉर्मली कैजुअली पहननी है आपने तो आप ऐसे बटन्स लगा सकते हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल लगेंगे, ये बिल्कुल लेस के साथ मैचिंग भी है और अच्छे भी लग रहे हैं। तो देखिए लेस के साथ हमारा ये नेक डिज़ाइन रेडी होके कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीड डिज़ाइंस। थैंक यू।